हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुबह सुबह जैसे ही उठे, हमें बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला। हमने सोचा आपको भी दिखाया जाए। हम अभी आए हुए खेत में, ये देखिए दोस्तों, पानी चल रहा है यहाँ पे। गेहूँ में पानी चालू किया है, लेकिन आज हमारे यहाँ का जो नज़ारा है चारों तरफ का, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हम आपको दिखाने चाहते हैं कि आप भी देखें। ये लगातार 2-3 दिन से ऐसा ही होते ही जा रहा है, तो हमने सोचा आप लोग को भी दिखाया जाए। और ये इस तरह से हमारे यहाँ कुछ गेहूं की फसल है, उतनी अच्छी तो नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक ही है। हम आपको चारों तरफ दिखाने जा रहे हैं कि दोस्तों हमारे यहाँ मौसम कैसा है। ये देखिए, चारों तरफ पूरा फॉग ही फॉग, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा फॉग, सफ़ेद धुआं। आगे क्या है ये, यहाँ से ज़्यादा आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। ये पेड़ भर दिख रहा है बस, उसके आगे क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आता। इसी कारणों से रोड पर एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ हम गांव में रहते हैं, यहाँ तो उतना ज़्यादा इसका प्रकोप नहीं है, लेकिन जैसे बड़े बड़े शहरों, जो दिल्ली हरियाणा तरफ, सबसे ज़्यादा इसका होता है। और उसी चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं हाईवे पे, 4 लाइन पे बहुत ज़्यादा। और ये हमारे खेत की पगडंडी है जिससे हम गुजर के जा रहे हैं। और ये फोग जितना अच्छा दिखता है अपने को, उतना ही खतरनाक भी होता है रोड लाइन के लिए। बड़े बड़े जो ट्रक चलते हैं, कारों के लिए, जो हाई स्पीड में जो अधिकतर जो कार चलते हैं, क्योंकि उनको दूर तक अच्छे से दिखाई नहीं देते, और उसी चक्कर में क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसमें चलने का एक ही उपाय है, अपनी गाड़ी को स्लो चलाएं और अपने गाड़ी की सारी लाइट ऑन रखें, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो उनसे क्या होगा, सामने आने वाली जो गाड़ियां हैं या पीछे आगे से जो जा रही गाड़ी, उनको बराबर दिखेगा कि हमारे आगे भी कोई गाड़ी जा रही है, तो हम गाड़ी स्लो कर लें। और सबसे बड़ा उपाय है, कुछ करो मत करो, लेकिन गाड़ी स्लो चलाओ। स्लो चलेंगे तो अपन सब कुछ कर पाएंगे, गाड़ी को सही समय पे कंट्रोल कर पाएंगे, आगे क्या है अच्छे से अपने को भी दिख जाएगा। और अगर अपन गाड़ी तेज चलाएंगे तो अपने को कुछ भी नहीं दिखेगा कि आगे क्या आ रहा है क्या नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा सुविधा, मतलब सेफ्टी वाली चीज़ है, गाड़ी स्लो चलाए, उनसे आगे कोई चीज़ नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, हम हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे यहाँ का मौसम आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे एक चीज़ और बताऊँ, मेरा घर है, लेकिन मेरा घर मुझे भी नहीं दिख रहा। आपको कुछ दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। हेलो दोस्तों, ये हम पहुँच चुके हैं खेत। आप देख रहे होंगे हमारे आगे एक बाइक जा रही है, वो बाइक हमको कुछ भी नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं। आज हमारे यहाँ का मौसम ऐसा है, चारों तरफ पूरा धुआं धुआं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हमें कमेंट करके बताएं। चारों तरफ कोहरा मचा हुआ है, अभी याद आया, कोहरा मचा हुआ है। और हम सीधी भाषा में बोलते हैं धुआं धुआं। अभी हम आपको खेत तरफ ले जा रहे हैं, बताते हैं खेत का मौसम भी कितना सुहाना है। कुछ कुछ जगह ऐसी आती है दोस्तों कि जिसमें कुछ दिखता ही नहीं आगे, जैसे कि ये अभी देखो, ये क्या केवल आपको भी वीडियो में दिख रहा होगा, हल्की सी रोटी दिख रही है, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा। और हम अभी बाइक से हैं दोस्तों, देखिए आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, एक हाथ से बाइक चला रहे हैं, ये देखिए, एक हाथ से हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको हम भी हमारे यहाँ का मौसम बता दें। मेरे को ऐसा लग रहा है आज का ये जो मौसम है, ये सभी तरफ का सेम ही मौसम है, सब जगह ऐसा ही होगा। साथ ही देखो, सरसों
सरसों लगी हुई है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं जरा रुक के वीडियो बनाता हूँ, जरा सरसों के खेत जो कि पंजाब पंजाब में रहते हैं दोस्तों, ऐसे हमारे यहाँ पे भी है ये, क्योंकि सरसों की जो खेती है हमारे यहाँ पे भी कुछ कुछ लोगों ने चालू कर दिए हैं। रास्ता बहुत ही ख़राब है जिस रास्ता से हम गुजर रहे हैं। रात को हम ट्रैक्टर लेके आए थे, देखो निशान दिख रहे होंगे खेत में, तो 10-1 बजे रात को यहाँ से हम वापस लौटे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी हमारे खेत में वहाँ एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। वो तालाब भी हम आपको दिखाएंगे कि वो तालाब में कितना धुआं है। अभी फ़ोन लगाया था मुझे तो बता रहे थे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि पानी में से ज़्यादा ही ये सब निकलता है, और वहाँ का नज़ारा इससे भी ज़्यादा अच्छा है। देखो जंगली रास्ता है थोड़ा सा, और अभी कुछ समय पहले पता लग रहा था कि हमारे यहाँ पे शेर वेर घुसे हैं, शेर छोड़ा गया है। ये देखिए दोस्तों, ये गैया चल रही है, और दूर से कुछ और ही जानवर दिख रहा है, इसलिए हमने बाइक भी रोक ली थी। पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि अभी जो माहौल हमारे यहाँ का वातावरण चल रहा है एकदम ठीक नहीं है। सभी तरफ से मतलब सुनाई दे रहे हैं कि यहाँ शेर घुस गया, वहाँ शेर घुस गया, शेर ने उस जानवर को खा दिया, इस जानवर को खा दिया। और हमारे यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो लगातार उनकी उन पर नज़र बनाए रखे हैं कि वो किधर गया किधर नहीं, लेकिन हालांकि उनको मिल नहीं रहा वो कि कहाँ गए। इसलिए हमारे यहाँ के रास्ता में भी काफ़ी रिक्स है, काफ़ी क्योंकि जंगली रास्ता है, हम मतलब इतनी ज़्यादा सिटी से बिलोंग नहीं करते, थोड़े मतलब जंगल इंटीरियर एरिया है। अभी हम आपको चल के सीधे तालाब में दिखाते हैं तालाब का नज़ारा कैसा है। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे तालाब में, और आपको तालाब दिखाता हूँ कि तालाब में कुछ दिख रहा है क्या। कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखिए हमारा मोबाइल भी ढंग से नहीं बता पा रहा आपको। यहाँ बहुत बड़ा तालाब है, पानी बहुत भरा हुआ, हम किनारे पे खड़े हैं, ये हमारी मोटर चल रही है। देखो धुआं धुआं, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। और इसके बाद हम आपको और दिखाएंगे हमारी जहाँ ट्रैक्टर रखी हुई है उसका नज़ारा भी दिखाएंगे, ट्रैक्टर और गेहूं के खेत, क्योंकि वहाँ पे और भी इससे ज़्यादा बढ़कर धुआं आ रहा है, कोहरा आ रहा है। और ये पानी का लेवल देखो दोस्तों, कटाव टाइप के बन गए, जैसे लग रहा कोई दीप टाइप का होगा, टापू टापू, जैसे कि बड़े बड़े समुद्र में टापू टाइप के रहते हैं ना, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पानी का बना हुआ है। कुछ भी नहीं दिख रहा दोस्तों, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, दूर का ना पास का ना कुछ भी नहीं, हमारा मोबाइल भी नहीं नज़र दिखा पा रहा आपको। ये देखा अभी सही हुआ, अभी हम आपको हमारी ट्रैक्टर के वहाँ के जाकर आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। बने रहे हमारे वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने वहाँ जाके देखा है। हेलो दोस्तों, इसी के साथ 11 बजने को आ गए, अभी भी देखे मौसम कुछ कुछ हद तक 20% बचा है अभी दोस्तों क्लियर होने के लिए। और जैसे आप बता रहे थे हम ट्रैक्टर के यहाँ पे ये पहुँच गए हैं, ये है हमारा फार्मटेक शार्ट, और ये इसमें हमने कैंप बनाया था, रात यहीं गुजारी। ये हमारी गेहूं की फसल जैसे जैसे चल रहा है, कुछ भाई लोग ने यहाँ एक दिख रहे ना ये यहाँ पे तरबूज की खेती की है, तो उनका झोपड़ी है। इसी के साथ दोस्तों हम हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं, आशा करते हैं हमारे यहाँ का मौसम, हमारा तालाब, हमारी गाड़ियाँ सब पसंद आई होंगी। धन्यवाद।